हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एन एजुकेशन पॉइंट. दिस इज़ नीतू यादव. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस से चैप्टर 1. लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना, दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. और उसके बाद हमने डिस्कस किया था केमिकल इक्वेशंस को. देखो, वर्ड्स में रिएक्शन आपको गिवन होगी और आपको उसे सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना होगा. फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए. 9th क्लास में हमने सीखा था, क्रॉस करके हम फॉर्मूला बनाते थे. और 10th क्लास में अब हम उन फॉर्मूलाज को यूज़ करके केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे. ठीक है, आई थिंक वो वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को. रिएक्शन हमने बहुत सारी लिख ली. एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस है, आप उन सभी रिएक्शंस को लिख कर देखिएगा, लर्न कीजिएगा. बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. ओके, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम बात करेंगे. वैसे तो 9th क्लास में भी आ जाती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जब हम लैब में जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा. दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, वो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है, रिएक्टेंट उनको कहते हैं जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे होंगे, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट लिखे जाते हैं और एक बीच में एरो होता है उनके. ठीक है, तो रिएक्टेंट्स जो होंगे वो दो या दो से ज़्यादा होंगे, आपस में जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे, तभी हम उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, हमने ये रिएक्शंस बहुत कॉमनली देखी हुई है. H2+O2 जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O. ठीक है, मैं साथ साथ यहाँ पर रिएक्शंस को बैलेंस्ड लिखती जाऊँगी. बैलेंसिंग भी मैंने आपको बताई थी, एक हिट एंड ट्रायल मेथड हमने यूज़ करना है और हमने देखना है कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल हो जाए. व्हाई देयर इज नीड टू बैलेंस इक्वेशन, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, देखो दो रिएक्टेंट दो है प्रोडक्ट, लेकिन एक ही बन रहा है. अब ये मत कहना कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक कंपाउंड एक है. ये जो टू है, जो कॉफिशियंट है इसका, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशियंट हम इसको कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दो कंपाउंड बन गए. कंपाउंड तो एक ही है ना, दो मॉलिक्यूल्स बने हैं उसके. ठीक है, या फॉर एग्जांपल हम बात करें C+O2 हमें क्या देता है, CO2. या हैबर प्रोसेस की मैं बात करूँ तो N2+H2 क्या देते हैं, अमोनिया. ठीक है, या हमने फोटोसिंथेसिस भी हमने रिएक्शन देखी हुई है, क्या कहता है, 6CO2+6H2O गिव्स अस C6H12O6+6 ऑक्सीजन. ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देती है. ये जो बाय प्रोडक्ट है स्मॉल मॉलिक्यूल है, लेकिन मेजर अगर मैं बात करूँ मेजर प्रोडक्ट की, तो वो एक प्रोडक्ट है और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं. यहाँ पर प्रेजेंस होती है सनलाइट और क्लोरोफिल की. ठीक है, रेस्पिरेशन रिएक्शन की बात करूँ तो इसका अपोजिट है. अच्छा, यहीं से फिर एक क्वेश्चन क्लियर होता है. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमारी होगी, सेकेंड नंबर पे जो हम बात करेंगे वो होगी हमारे पास डीकम्पोजिशन. अब डीकम्पोजिशन भी हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि डीकम्पोज होने का मतलब होता है टूट जाना, यानी कि यहाँ पे कुछ उल्टा होगा. यहाँ पे रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट जो दो या दो से ज़्यादा होंगे. क्लियर है, तो एक क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन दोनों एक दूसरे की अपोजिट है. देखो, कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ गए थे टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, एंड इन दिस केस रिएक्टेंट इज वन बट प्रोडक्ट्स आर टू और मोर देन टू. डीकम्पोज मतलब टूट जाना. अब जो फोटोसिंथेसिस का केस हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, CO2 वाटर जुड़ के जो प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, CO2 वाटर जुड़ के फूड की फॉर्मेशन देते हैं, सिंपली ग्लूकोज हम यहाँ पर बात करते हैं. और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज हमने खाया और हमने सांस ली तो ऑक्सीजन भी अंदर गई है, तो जो फूड होता है, जो ग्लूकोज है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाता है टू गिव वाटर, CO2 एंड एनर्जी. एनर्जी हमने काम करने में यूज़ कर ली, CO2 हमने ब्रीद आउट कर दिया और वाटर भी हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो गया, या लॉस ऑफ वाटर भी हमारी बॉडी से होता है. ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, अपोजिट रिएक्शंस है एक दूसरे की. ठीक है, अगर इन्हीं रिएक्शंस को मैं यहाँ बात करूँ तो डीकम्पोजिशन के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. सबसे पहले एग्जांपल हम वाटर वाला ही ले लेते हैं.
वाटर जो है वो डिसोशिएट होता है H2 और O2 में, और यहाँ पर हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया CaCO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2, CO2 जो है वो गैसियस स्टेट में है, बाकी ये दोनों जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट, इसको जब आपने हीट किया तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये दोनों गैसेस हैं NO2 एंड O2, और ये क्या है सॉलिड, ये इधर भी हमने क्या लिया था सॉलिड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, FeSO4, ठीक है, ट्वाइस ले लेते हैं, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हीट करने पर, और ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये सॉलिड है, ये भी हमने क्या लिया था सॉलिड में लिया था, ठीक है। अच्छा, इतने सारे एग्जांपल्स मैंने लिख दिए, एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, AgCl gives us, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, Ag प्लस Cl2। अब देखो ये इतने सारे एग्जांपल है, सभी में एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी, रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो दो या दो से ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि डिकम्पोजिशन भी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट अगर एग्जांपल हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जब हमने दी है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर ब्रेक डाउन हुआ है टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ओके, तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हुआ है, क्लियर। दूसरा, अगर आप देखो मैंने एक एरो के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया है, एक्चुअली इस ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, ठीक है, हीट, थर्म एक वर्ड होता है, थर्म का मतलब भी हीट होता है, तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कह सकते हैं, क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्म मतलब हीट, तो ये भी थर्म था, ये भी थर्मल था, ये भी थर्मल था। और इसकी मैं बात करूँ तो जो ये AgCl है, जब हम इसको बाहर एक्सपोज कर देते हैं सनलाइट में, तो ही क्या होता है, मतलब सनलाइट में एक्सपोज कर देने से ही सिल्वर और Cl2 गैस वहाँ से निकल जाता है, सिल्वर सॉलिड वहाँ रह जाता है, ठीक है, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन है जिसको कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, या फिर फोटो डिकम्पोजिशन हो सकता है। NCERT की बुक अगर आप उठाओगे, वहाँ से पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। इसकी अगर मैं बात करूँ, FeSO4 जो होता है वो एक्चुअली ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है भाई, ग्रीन कलर का, और जब ये हीट करते हो आप इसको, और जब ये दो गैस यहाँ से दे रही है, अच्छा, ये इसको जब आप हीट करोगे तो सल्फर बर्निंग की एक स्मेल आएगी, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो लिब्रेट हो गई है, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो टूट गया ना, अब वो FeSO4 नहीं रहा, तो वो ग्रीन नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। दूसरी एक और एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो लेड ऑक्साइड, NO2 और O2, अब O2 का तो कोई कलर नहीं होता, NO2 गैस जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, किस कलर की, ब्राउन की। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो MCQ टाइप से आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, अब की बार पैटर्न भी चेंज हुआ था, तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं डीकम्पोजिशन के, और ये एग्जांपल्स हमने बात किए कॉम्बिनेशन के। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 5 टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर है, 5, कॉम्बिनेशन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन की। अगर इस वीडियो में वो डिस्कस करना शुरू करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।